हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च और एक्सेल से हटके बिल्कुल अलग बात करते हैं। आज हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको इंटरेस्ट हो सीखने में मोबाइल से रिलेटेड। तो मैंने अभी अपना मोबाइल फ़ोन अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है और आप मेरा मोबाइल फ़ोन लैपटॉप पे देख पा रहे हैं। इनके जब भी मैं मोबाइल पे कुछ ऑपरेशन करूँगा, इनके बीच में थोड़ा सा डिले है। तो सबसे पहले तो मैं सेटिंग्स को चेक करता हूँ। यहाँ पे मेरी सेटिंग्स हैं। तो सेटिंग्स में अभी मैंने अपना नेटवर्क ऑफ़ किया हुआ है। कोई भी नेटवर्क ऑफ नहीं, ऑन नहीं है। मोबाइल का, ब्लूटूथ का, वाईफाई का, कुछ भी ऑफ नहीं है। ऐसे में अब मेरे पास एक गूगल की ऐप है ऊपर, और यहाँ माइक है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये हमारा विद इन द मोबाइल सभी ऐप्स और इन चीज़ों पर भी काम करता है। इस पे हम थोड़ा सा काम करके देखते हैं। तो ये अभी जैसे ही मैं माइक्रोफोन पे टच करूँगा मोबाइल में, ये बोलेगा कि आपका ऑफलाइन है, पर फिर भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और वही हम देखेंगे कि कौन कौन से काम हम ऑफ के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया, इट सेज ऑफलाइन। ओके, जो भी मैं बोलूँगा ये एक्चुअली उस पे काम शुरू कर देता है वॉइस पे। कोई नहीं, हम एक एक करके देखते हैं। पहले मैं इसको हटा रहा हूँ दोबारा। सबसे पहले मुझे कॉल करना है कुछ किसी को, तो कॉल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल योगेश, कॉल योगेश। Do you want to call Yogesh or Kurti Yogesh, or you can say the name of another Yogesh? तो अभी क्या हुआ, इसने कहा कि एक्चुअली ये हर बात मेरी ऊपर चेक कर रहा है। इसने कहा योगेश को कॉल करना है, कीर्ति योगेश को, कोई और योगेश को, आप पूरा नाम बताइए, मैं किसी और को करके देखता हूँ। लेट्स से मुझे नीरज को कॉल करना है। मैं देखूँ मेरे पास कितने नीरज हैं। कॉल, कॉल नीरज। Want to call Neeraj Tanwar or Neeraj Mittal, or you can say the name of another Neeraj. तो हम किसी को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इससे, और थोड़ा सा डिले रहता है, अदरवाइज ये काम करता है। तो क्या मैं इससे एप्स खोल सकता हूँ, लाइक जीमेल की, व्हाट्सएप की? लेट्स चेक। ओपन व्हाट्सएप। ओके, काम कर रहा है। नेक्स्ट, जीमेल खोल के देखें। ओपन जीमेल। वंडरफुल। ओके, अलार्म के लिए सेट अलार्म 7 AM. Setting your alarm. तो ये सुबह 7 बजे का अलार्म सेट हो गया है, ऑफ करें इसे। सेट अलार्म ऑफ। अलार्म ऑफ। ऑफ नहीं कर रहा ये कुछ, इसको बस ऑन करना ही पसंद है। कोई बात नहीं, और देखते हैं हम। नेविगेट टू वर्क। नेविगेटिंग टू वर्क। तो इससे गूगल मैप खुल जाएगा, और गूगल मैप के ऊपर ये मान के चलेगा, क्योंकि मैंने बोला है नेविगेट टू वर्क, तो इसके पास मेरी लोकेशन है घर की, और दूसरी मेरे ऑफिस की, तो ये दोनों पे बता रहा है। देखें, तो इसने कहा यहाँ से NIT से यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, और ये डिपार्टमेंट है मेरी सेंटर, तो ये नेविगेट भी हो करेगा NIT ग्राउंड से ऑफिस।
हालांकि रास्ता मैं इस रास्ते से जाता हूँ, ये ज़्यादा छोटा है, पर गूगल लंबा रास्ता बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि नेक्स्ट इसमें और क्या कर सकते हैं? गाने सुन, प्ले म्यूजिक, ये मैं कुछ भी बोलता हूँ उस पे भी रिकॉर्ड कर लेता है। प्ले म्यूजिक, वेरी गुड। हालांकि इसने अपनी पसंद के गाने उठा लिए, पूछना चाहिए था मेरे से। खैर, वीएलसी पे काम करें। ओपन वीएलसी। वीएलसी के अंदर सारे हम खोल के अपने आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। और कुछ चीजें गूगल पे हैंगआउट करके देखें। ओपन हैंगआउट। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। सो गूगल की ऐप अगर आपके पास है तो आप ये सारी चीजें सीधे ही कर सकते हैं, आपको खोलने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं, सीधा इसी से सारे काम हो सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें आप एक बार करके देखिएगा, मेरे ख्याल तो ये स्विच ऑफ भी कर देगा मोबाइल फोन, स्विच ऑन, अलार्म, एक बार इसका देख लें क्या क्या बोल अपन। कैलेंडर भी करके देखते हैं। वेरी गुड। सो मुझे तो लग रहा है कि काफी चीजें हम डायरेक्टली ही कर सकते हैं। फाइनली यूट्यूब भी एक बार खोल के देख लो, मतलब आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें इसमें आप विद इन मोबाइल, आपका गूगल सब काम कर सकता है। फाइनली यूट्यूब खोल के देखें। ओपन यूट्यूब। यूट्यूब पे आप अपने गाने मोबाइल पे ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं, जब अगर नेट नहीं है आप उनको चला सकते हैं। ऑफलाइन का बटन आता है जब भी आप सेव करना चाहें, तो खैर YouTube भी काम कर रहा है। सो दैट्स वंडरफुल। कुछ हम अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐप्स की जो आपको इंस्टॉल करनी चाहिए, जो आपके काम को बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।